नमस्कार, डेली डाई न्यूज में आपका स्वागत है। पंजाब में 4 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव पे संकट के बादल मंडराने गए। जी हां, आज कांग्रेस उम्मीदवार की सभा के दौरान धमाका हो गया। ये धमाका भटिंडा में हुआ, जहां पे कांग्रेस उम्मीदवार अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे। भटिंडा के SDM ने बताया कि इस हादसे में फिलहाल 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 से 6 लोग घायल हो चुके हैं। ये हादसा और ये बम धमाका ये दर्शाता है कि पंजाब जैसे राज्य जहां 4 फरवरी को चुनाव होने हैं, जहां पुलिस अपनी पूरी मुस्तैदी में है, क्योंकि पंजाब में इससे कुछ समय पहले ही पाकिस्तानी अटैक और अन्य घटनाएं घट चुकी हैं। पंजाब को संसिटी मानते हुए यहां पे पहले से ही पुख्ता तैयारी की गई थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार की सभा के दौरान हुए धमाके ने फिर से पंजाब में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। अब देखना है कि ये धमाका कितने धमाके लेके आता है, क्योंकि इस धमाके में जहां मौत हुई है वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं और ये सुरक्षा पे सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखना है कि आगे पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कैसा फैसला लेते हैं। फिलहाल जानकारी यह है कि ये धमाका जो हुआ है ये प्रेशर कुकर में रखे डिटोनेट बम से हुआ है।